दोस्तों, जब भी कोई आपसे पूछता है कि आज तक की सबसे बेस्ट एजुकेशनल मूवी आपकी कौन सी है, तो आपकी जुबान पे कुछ फेमस मूवीज के नाम आते हैं, जैसे तारे जमीन पर, थ्री इडियट्स और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। इन मूवीज का नाम हमारी जुबान पे इसलिए आता है क्योंकि इन मूवीज की जो स्टार कास्ट है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत बड़ी है। इनके डायरेक्टर्स भी बहुत बड़े हैं। इन मूवीज के अंदर हमें ये बताया गया है कि कैसे बच्चा जब किसी स्कूल या कॉलेज पहुंच जाता है, वहां पर उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, ऐसे बहुत सारे जाति विशेष के लोग हैं जो कभी स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते। स्कूल तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार परिवार राजी नहीं होता है, कई बार समाज राजी नहीं होता है। परिवार राजी है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, समाज स्वीकार करता है तो परिवार स्वीकार नहीं करता है, और कई बार जब समाज स्वीकार करता है, परिवार स्वीकार करता है, तो उसको देश स्वीकार करना नहीं चाहता है। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में एक ऐसी ही मूवी की बात करने वाला हूँ जिसको देखने के बाद मुझे यह समझ में आया कि कितना एक जाति विशेष को संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चों को किसी भी तरीके की शिक्षा दिलाने के लिए। बच्चा पढ़ने वाला हो, पढ़ना चाहता हो, लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता क्योंकि वो किसी एक जाति विशेष से आता है। हमारे देश में, हमारे संविधान में ये चीजें कही गई हैं कि सभी को समान अधिकार है। हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि समाज में, सब स्कूल्स में, सब जगह इन हर तरह के जाति विशेष लोगों को समान अधिकार दिया जाता है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर आज भी इन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे का अपना एक अधिकार है। हमारा संविधान ये अधिकार बच्चों को देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं अपनी जिद के मारे, अपनी सुपीरिटी यानी अपने ऊंचेपन के मारे, कभी भी ये नहीं होने देते कि किसी भी एक जाति विशेष का बच्चा उनके सामने आके बैठे, उनके सामने खड़ा हो या पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इन जाति विशेष लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या ये लोग पीछे ना रह जाएं, उसके लिए सरकार ने इनको रिजर्वेशन देना शुरू किया, इनको एक अधिकार देना शुरू किया, जिससे कि ये भी आम लोगों की तरह जाकर स्कूल्स में पढ़ सके, कॉलेज में पढ़ सके, अपना नाम रोशन कर सके, अपने परिवार की जो दशा है उसको सुधार सके और आगे बढ़ सके। हाल ही में सभी लोग 12th फेल मूवी की बहुत बात कर रहे थे कि मूवी बहुत अच्छी है, मूवी के अंदर सही में इंस्पिरेशन दी गई है, उस मूवी को देखने के बाद हमें एक रियल इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन आप ये चीज भूल रहे हैं कि उस मूवी में ये दिखाया गया है कि आपका स्ट्रगल क्या है, पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या हार्डवर्क करना और जरूरी होता है जिससे कि आपको अपना लक्ष्य मिल सके। जिस मूवी की आज मैं बात करने वाला हूँ, उस मूवी का नाम है गुठली लड्डू। ये मूवी ये बताती है कैसे जितने भी जाति विशेष लोग होते हैं उन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ये मूवी एक छोटे से बच्चे की है जो एक स्वीपर फैमिली से बिलोंग करता है। स्वीपर फैमिली मतलब जमादार की फैमिली से बिलोंग करता है। वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो एक ऐसी जाति से आता है जिसको अधिकार ही नहीं होता है पढ़ने का। उसकी लालसा देखकर पढ़ने की उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जिसका किरदार संजय मिश्रा ने बहुत बहुत ही बाखूबी निभाया हुआ है, उनको दया आ जाती है और उस बच्चे के लिए वो कुछ करना चाहते थे। आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भेदभाव क्या चीज होती है, भेदभाव से कैसे हम बच सकते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आप इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं, भेदभाव को दूर कर सकते हैं, लोगों में समझ ला सकते हैं कि हम इंसान हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है। ये तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये मूवी जरूर देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है। मैंने देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज तो देखी होंगी, इस मूवी को टाइम निकाल के जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूं कि इस मूवी को देखने के बाद आपके दिल में भी हर तरह के लोगों के लिए प्यार जरूर आ जाएगा। और ये मूवी हमें सिखाती है कि हम एक हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है। शिक्षित बनो, शिक्षा को बढ़ावा दो और आप लोग अपने देश को शिक्षित बनकर ही आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।